So hey guys, what's up? This is me Aziz Sayed and you are watching Aziz Vlogs. So let's start. So आज का जो vlog है वो आप लोग ने thumbnail पे देख लिया होगा कि आज vlog किस पे है. तो लेकिन thumbnail अलग था और अभी vlog में entry की और तो ये कुछ अलग है. तो अलग ये है कि like मैं हर साल आता था दो दिन के लिए यहाँ पे रमज़ान में, दो तीन रोजे करने के लिए. और इस बार ऐसे ही कुछ था कि मतलब मैं सोच रहा था आऊँ नहीं आऊँ, आऊँ नहीं आऊँ, आऊँ नहीं आऊँ, होते 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 12 रोजे चले गए एंड फाइनली आज आ ही गया मैं. और मैं वैसे सुबह आया था सैरी करके. यहाँ पे मेरे मामू का घर है, मेरी सिस्टर का घर है एंड मतलब मेरा आधा ख़ानदान रहता है. तो मैं सोच रहा था कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ. फिर एट दी एंड मैंने अपनी सिस्टर का घर चॉइस किया और यहाँ पे मैं सैरी करके सो गया. सोने के बाद जस्ट उठा हूँ, उठ के मैं फ्रेश हुआ हूँ. फ्रेश होके अभी मैं जाऊँगा जोहर की नमाज़ पढ़ने, उसके बाद असर, देन मैं आपको मिलता हूँ इफ्तार या इफ्तार बाद. उसके बाद हम जाएंगे मोहम्मद अली रोड और मैं आपको आज बॉम्बे एक्सप्लोर कराता हूँ, लाइक मोहम्मद अली रोड की कहाँ कहाँ, मतलब मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ कहाँ और दूसरी दूसरी चीज़ें क्या क्या मिलती है जो यहाँ पर फेमस है. एंड बहुत सारे ब्लॉगर लोग ने बताया नहीं है अपने ब्लॉग में कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जो फेमस है, लाइक अतर हो गया और दो तीन चीज़ें. अब मैं जाऊँगा तो मालूम पड़ेगा. तो अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ मामू के घर, वहाँ इफ्तारी करूँगा. इफ्तारी करके मतलब इफ्तारी को तो अभी टाइम है. इफ्तारी करने के बाद फिर हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम घूमेंगे डोगरी, द लेजेंड ऑफ मुंबई. तो मिलते हैं आगे. तो इफ्तारी हो गई एंड नमाज़ पढ़ के अभी मैं जा रहा था शमा, जहाँ से मैंने अतर का परफ्यूम बनाया था. अब मैं वहाँ जाता हूँ. ये देखो आप लोग, ये है डोंगरी के सुल्तान अब्दुलरहमान शाह बाबा की दरगाह है अंदर, ये उसका गेट. और अब मैं जा रहा हूँ शालीमार. ये देखो माशाल्लाह क्या सजाया है यहाँ पे. यह है शालीमार, डोंगरी की सबसे पुरानी और सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट. और जिसको भी शमा आना हो तो ये शालीमार है. ये आप लोग ने शालीमार देखा और सामने सिग्नल है, सिग्नल के अपोजिट में आपको वो लाइट दिख रही होगी, वही शमा है. तो ये है पप्पू जूस, वन ऑफ द फेमस इन डोंगरी. और शमा जाने से पहले मुझे जाना पड़ेगा एटीएम कैश निकालने के लिए, क्योंकि शमा में वो लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं, ओनली कैश अवेलेबल. तो पहले जाना पड़ेगा एटीएम एंड यहाँ पे इतनी आवाज़ है तो पहले जाते हैं हम लोग एटीएम. लेट्स गो एटीएम. सो हियर इज़ द डीसीबी बैंक का एटीएम. तो एटीएम में से तो कैश निकला नहीं है क्योंकि उसका सर्वर डाउन है. तो अभी जितना कैश है मेरे पास अवेलेबल 350-400 रुपये, उसमें ही ले लेता हूँ मैं. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये है शमा, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे. मैं भी अपना अदर का परफ्यूम बना लेता हूँ उसके बाद. एंड हेयर इट इज, मेरा परफ्यूम रेडी है शमा, जो अतर भी है और परफ्यूम भी है. सो इसमें नो अल्कोहल है, बस ओनली अतर. एंड वो लोग कुछ लिक्विड यूज़ करते हैं परफ्यूम बनाने के लिए, सो इसको तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो. तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से मीनारा मस्जिद, वहाँ एक्सप्लोर करेंगे और फिर आपको दिखेंगे. पहले तो मैं यहाँ से घर जाता हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी चार्ज नहीं है. तो थोड़ा चार्ज करने के बाद फिर जाएंगे मीनारा मस्जिद. पहले मेरा ये काम था, मैंने ये कर लिया, उसके बाद अभी हम जाते हैं मीनारा मस्जिद, बट थोड़ी देर बाद. तो मोबाइल चार्ज करने के बाद अभी मैं निकला था घर से और अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा एक तो बैला दिया, उसके बाद हम लोग जाएंगे मीनारा मस्जिद. क्योंकि ज़्यादा जल्दी जाके कुछ फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे कुछ मिलने वाला है नहीं. जैसे ही 11:30-12 बजेंगे, अभी तो 11 बज के चले गए, 11:45 हो जाएंगे, 12 बजेंगे तब वहाँ पे थोड़ी भीड़ होगी, सब चीज़ें खाने पीने की मिलेगी,
तभी जाते हैं। हेलो बेलार जाके आते हैं। तो गाइस फाइनली आ गए हम बेलार स्ट्रीट। यहाँ से मतलब लाइक मेरी बहुत सारी यादें हैं। मैं यहाँ पे बहुत फोटोशूट्स किया हूँ मॉर्निंग में संडे को आके। और आ जाए आप लोग भी यहाँ पे आके फोटोशूट कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप लोग को आना है तो आप लोग मंडे को आ सकते हो संडे को आ सकते हो क्योंकि संडे को ये बेलार्ड स्ट्रीट बंद रहती है। और आप अर्ली मॉर्निंग आओगे तो बहुत ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। तो आओ आप लोग एक बार ट्राई करो यहाँ पे फोटोशूट करना क्योंकि यहाँ पे बहुत अमेजिंग स्पॉट्स हैं। तो यहाँ 10-15 मिनट बैठने के बाद अब हम लोग निकले हैं किनारा मंदिर के लिए। तो जस्ट अभी अब्दुलरहमान शाह बाबा की दरगाह के पास आए। अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग मीनारा मस्जिद। और ये है चारमीनार की हलीम। चारमीनार की हलीम है भैया लोग बनाते यूपी के। हाँ नाम डाला चारमीनार। इतना सच नहीं बोलना मारे हैदराबाद ये भैया यूपी के मिले हैं नाम डाले हैदराबाद। अभी पत्थर गोश जनता है ये मोजी दो। यहाँ पे आपको खाने की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी जो खाना है खा सकते हो लेकिन यहाँ पे भीड़। बट मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ पे ना खाए तो बेहतर है क्योंकि यहाँ पे नाम की वजह से ये लोग सब चीज़ों का टेबल रेड है। डबल भी नहीं टेबल रेड। तो यहाँ पे अगर आप लोग एक परंपरा के हिसाब से आओ तो ही बेहतर है वरना यहाँ ना आओ मत आओ। मैं भी एक परंपरा बोलता हूँ मस्जिद में आएंगे तो मैं बहुत जमा हाँ आज तक कभी नहीं आया पहली बार इसके साथ अरे झूठे बोल तो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे आज। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसे निकल जाऊँ। अब इन सबको कैसे बताऊँ मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ। ये देखो बिजनेस दिस इज बिजनेस। ये आपको मिलेगा जस्ट चार मीनार की बाजू में। आया तू
सो बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम लोग को फिर यहाँ से निकलना पड़ा और यहाँ से हम लोग निकल गए फिर घर की तरफ। उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया एंड मतलब लाइक पहले जितनी भीड़ होती थी उतनी तो है नहीं एंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा ओवर रेट हो चुके हैं, मतलब लाइक खाने के कोई एक आम लाइक मैं बोल सकूँ तो एक मिडिल क्लास लोग कुछ कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ कुछ लोग नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। बट फिर भी यहाँ पे लोग आते हैं ऐसे ही, मतलब लाइक रमज़ान में घूमने के लिए आते हैं, कोई फैमिली लेके आता है, कोई मीनारा मस्जिद में आता है, मतलब यहाँ पे हर एक छोटी से बड़ी चीज़ें सारी मिलती है। कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। सो मैन मतलब मेरा तो घर है वहाँ पर, मैं भी वहाँ इसके लिए एक दिन के लिए रुका था। सो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। सो आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, देन मेक श्योर लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आगे के नेक्स्ट ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड।